हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सती हेल्पर। सो आज हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट का नेक्स्ट लेवल देखेंगे। नेक्स्ट लेवल मतलब कि इसके नेक्स्ट, पहले जैसे क्वेश्चन आपने दिए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है? तो आज भी थोड़े क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ। सो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ पोजीशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये वाला है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, फिर तीसरा, चार क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? एक पॉइंट है जो कि 30 mm एवर फ्रॉम HP है, HP से 30 mm ऊपर है एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ BP और 40 mm BP के सामने है। तो मतलब हमारा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? हमारा पॉइंट कुछ इस तरह होगा, क्या बोल रहा है? 30 mm एवर फ्रॉम HP, मतलब यहाँ से कोई 30 mm ऊपर होगा और 40 mm इन फ्रंट ऑफ BP और यहाँ से कोई 40 mm, मतलब कि यहाँ कहीं ऐसे हमारा पॉइंट आएगा, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक, हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है प्रोजेक्शन के लिए, ठीक, ये मतलब एक डॉक्टर का सिंबल बना देना है आपको। प्लस प्लस ही होता है, ये हो गया एक्स वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू हमारा, क्या करेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ से कितना है? 30 है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऊपर से यहाँ से 30 mm के डिस्टेंस पे ये आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक, ये हमारा आ गया ए डैश, ये क्या है आपका फ्रंट व्यू, ठीक। और दूसरा हमारा टॉप व्यू कहाँ पे आएगा? टॉप व्यू पर से देख रहे हैं हम लोग तो ये 40 यहाँ पे आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, तो मतलब ये 40 यहाँ नीचे कहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 ले के डिस्टेंस कर लेते हैं ड्रॉ इसको। चलिए दोनों लाइन्स को मिला लेते हैं, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, दो तीन लाइन हो गई, तो ध्यान रखना चाहिए इसको। इसलिए हो गया हमारा टॉप व्यू ए, ठीक। अब ऊपर की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, यहाँ से यहाँ तक 30 है, नीचे वाली डिस्टेंस कितनी है? 40 है, ठीक। मैं उसको दिखा लेता हूँ, लोग डायमेंशन, विदाउट डायमेंशन आपकी ड्राइंग कुछ नहीं होती है, आपको डायमेंशन ही जरूर करनी है ड्राइंग में। यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 40, ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? पॉइंट जो है हमारा कहाँ पे है? 30 mm एवर फ्रॉम HP, मतलब HP जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी उससे 30 mm ऊपर है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, 30 mm ऊपर है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 20 mm बिहाइंड BP, मतलब कि ये जो हमारा BP है इससे 20 mm पीछे है। तो हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है पॉइंट? एक तो इधर है और 30 mm एवर फ्रॉम HP, HP से 30 ऊपर, यहाँ पे 20 mm बिहाइंड BP, BP से बिहाइंड 20, 20 हो गया और इधर की डिस्टेंस 30 हो गई हमारी। तो इसका हम लोग पोजिशन ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहला काम आपको डॉक्टर का सिंबल बनाना है, ठीक। अब फ्रंट व्यू हम लोग इसका देखते हैं, फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? ये वाला पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 mm की ऊपर। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया ए डैश फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे हम लोग इसका, तो यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे जब आएगा तो इसको रोटेट कर देंगे, ठीक। जब ये हमारा पॉइंट था, इसका टॉप व्यू हमने देखा यहाँ पे आया, हम लोग क्या करते हैं इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से 30 mm के डिस्टेंस पे आ जाएगा, सॉरी हाँ 30, पहला हमारा कितना था? नहीं, ये आएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 mm के डिस्टेंस पे था, तो ये तो यही वाली डिस्टेंस उठ के यहाँ पे आ जाएगी 20, ठीक। तो ये कहीं पे आएगा,
ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, तो हमारा जो प्रोजेक्शन हुआ ये यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू टीपी। अब आपको यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25 mm बिलो HP, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के 25 mm नीचे और 15 mm बिहाइंड बीपी, बीपी वर्टिकल लाइन के 15 mm पीछे। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में, देख लेते हैं यहाँ पे HP BP। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 25 mm बिलो HP, इस पॉइंट के 25 mm नीचे। अब देख लेते हैं वो लेफ्ट राइट साइड रहेगा या लेफ्ट साइड रहेगा, बिहाइंड, यहाँ पे बिहाइंड बोल रहा है मतलब कि इस तरफ कहीं 25 mm, हम लोग इधर ले मान लीजिए 25 है और यहाँ से 15, तो यहाँ पे नहीं आएगा हमारा पॉइंट ए, ठीक। और इसको प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग फ्रंट भी देखेंगे, ठीक, यहाँ से हम लोग सॉरी टॉप भी यहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट भी यहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा कितना यहाँ, ये यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, और टॉप व्यू हमारा इस पॉइंट पे आएगा, ठीक। हाँ ठीक है, तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू हमारा इस लाइन, इस एक्स वाई लाइन से 25 mm नीचे, मतलब इस लाइन पे बना लेते हैं इसको पहले, यहाँ से 25 नीचे, ठीक। तो ये आ गया हमारा फ्रंट व्यू ए डैश FV, ठीक। अब टॉप व्यू कहाँ पे आ रहा है हमारा, टॉप व्यू यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से 15 की दूरी पे। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या होता था, जब हमारा ये तो 3D है, हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है, जब 2D में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरह से 90 डिग्री। तो अभी यही वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 15 वाली डिस्टेंस, वो रोटेट होके इस वाले प्लेन पे आएगा, ठीक। और कितने डिस्टेंस पे, सेम वही डिस्टेंस 15, तो मतलब कि हमारा जो टॉप व्यू है यहाँ से यहाँ 15 ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया टीवी, टीवी नहीं टेलीविजन नहीं, टीवी मतलब टॉप व्यू। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, डायमेंशन आप लोग दिखा दीजिएगा, यहाँ से हमारा प्रोजेक्शन हो गया पॉइंट का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट है हमारा 20 mm बिलो HP है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के 20 mm नीचे है, और दूसरा क्या बोल रहा है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ BP, मतलब कि वर्टिकल प्लेन के सामने है। सामने क्या होता है, लेफ्ट होता है राइट होता है, सामने राइट को बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, कौन से में आएगा, आप कमेंट करके बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा हमारा पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा VP हो गया, ये HP हो गया, पॉइंट हमारा 20 mm बिलो HP, मतलब इससे कहीं 20 mm नीचे होगा, और इन फ्रंट, इन फ्रंट बोल रहा है मतलब इस साइड, ठीक है, 30 mm यहाँ से, 30 mm यहाँ से 20 mm, ये 20, ये 30, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे मतलब कि फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट आ रहा है, आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, एक कोऑर्डिनेट नहीं बता पाए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। सब ये हो गया हमारा एक्स वाई लाइन, ठीक। फ्रंट व्यू ये इधर से देखना है, टॉप व्यू यहाँ से देखना है। जब फ्रंट व्यू वाला इसको यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ से 20 mm नीचे, तो हम इसको बना लेते हैं 20 mm नीचे। ये हमारा कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू FV ए डैश, ठीक। उसके बाद टॉप व्यू, टॉप व्यू यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 mm, ठीक ठीक यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 mm यहाँ पे आएगा। अब क्या करना होता है, जब HP प्लेट पे आ रहा है तो हमसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे 90 डिग्री। अब रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे ये मूव करके आएगा, कितना आएगा, 30 mm, ठीक। ये 30 था, ये भी 30 था, तो यही वाले डिस्टेंस हम लोग हमेशा मूव कराते हैं इस तरफ। अब यहाँ से 30 मेजर करके हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ए, ए डैश है ये।
ये हो गया हमारा टॉप व्यू। तो ये हो गया हमारे पॉइंट का प्रोजेक्शन। तो आज का ये लास्ट लेक्चर था पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।